नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डायनेमिक स्ट्रेसिंग चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार का पहला एक्सप्रेसवे, जो कि आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिहार में बनने वाला पहला एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा का बनने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है। केंद्रीय सरकार ने इस सड़क को नेशनल हाईवे D-119 का नामांकन कर दिया है। केंद्रीय सड़क राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से ट्वीट करके इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उनका जो ट्वीट आया है उसमें लिखा हुआ है, बिहार में भारतमाला परियोजना के तहत आमस दरभंगा पैकेज गया के आमस NH-2 से शिवरामपुर NH-119D तक 4-लेन एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय मार्ग के निर्माण के लिए 1390.92 करोड़ बजट के साथ स्वीकृति दी गई है। जी हाँ, इस सड़क के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का भी काम पूरा कर लिया गया है। इसके बाद इसका टेंडर का भी बात चल रहा है। सड़क निर्माण के कार्य 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली इस सड़क के महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत किया है। मंत्रालय की ओर से अधिसूचना के अनुसार औरंगाबाद में आमस के निकट नेशनल हाईवे 19 से एक्सप्रेसवे शुरू होगा। यह कच्ची दरगाह हाजीपुर के कल्याणपुर समस्तीपुर के ताजपुर से होकर दरभंगा में बेला नवादा में NH-27 में जाकर के समाप्त होगा। लगभग 189 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के पूरा होने से उत्तर से दक्षिण बिहार के बीच बेहतर संपर्कता कायम हो जाएगी। आपको बता दें, कुल परियोजना ग्रीनफील्ड यानी नई सड़क बनकर तैयार होगी। इसके लिए 60 मीटर चौड़ाई में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। NHAI इस सड़क का निर्माण शुरू करेगा। अधिकारियों के अनुसार सड़क को 4 पैकेज में बांटकर काम किया जाएगा। पहले पैकेज में आमस से शिवरामपुर का निर्माण होगा, जिसकी कुल लंबाई 55 किलोमीटर होगी। इस पर 1073 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं पर दूसरा पैकेज शिवरामपुर से रामनगर तक का है। 54.30 किलोमीटर लंबे इस पैकेज के निर्माण पर 1066 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तीसरा पैकेज वहीं कल्याणपुर से पाल दशहरा तक का होगा। 45 किलोमीटर लंबे इस पैकेज को बनाने में 1150 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि अंतिम व चौथे पैकेज में पाल दशहरा बेला नवादा सड़क का निर्माण होगा। 44.10 किलोमीटर लंबे इस पैकेज में 1534 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा रामनगर से सबलपुर, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है, भारतमाला परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा। चारों पैकेज को 2 साल के अंदर पूरा भी कर लिया जाएगा। इस सड़क के बीच में कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6-लेन पुल का निर्माण राज्य सरकार अपने संसाधनों से करा रही है। 2024 के शुरुआत में इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। इस तरह आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे को 2024 तक जो है चालू कर लिया जाएगा। आमस दरभंगा के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद टेंडर का प्रक्रिया शुरू की जाएगी। NHAI को भरोसा है कि इस सड़क को बनाने के लिए नामी ग्रामीण एजेंसियां भी शामिल होंगी। और आपको बता दें, 3 एयरपोर्ट का भी इसके अंदर समझ लीजिए कनेक्टिविटी होगा। गया और पटना और दरभंगा, तीनों एयरपोर्ट को जो भी इससे जोड़ा जाएगा। और ये रिंग रोड का भी समझ लीजिए एक तरह से हिस्सा होगा। जो पटना के अंदर जो रिंग रोड बनेगा उसका भी हिस्सा होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।